इस्लाम के खिलाफ पाकिस्तान से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं 27 न्यूज HD। आज दुआ ज़हरा केस में एक और अहम पेशरफ्त हुई। जो लोग कल मिठाइयां तकसीम कर रहे थे, आज उनके घरों में सफ़े मातम बिछ चुका है। मामला क्या हुआ, कहानी क्या है, ये सब जानने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। खबर यह है कि दुआ ज़हरा केस में कल MLO होना था, MLO को रुकवा दिया गया था, स्टे ऑर्डर ले आए थे और सोचा यह जा रहा था कि अब 14 तारीख मिल चुकी है, 14 को समाप्त होगी, 14 सितंबर को, और अब मामला लंबा खींचेगा। मगर उन लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेहंदी अली काज़मी उन्हें खींच खींच के मारेगा, इतना लताड़ेगा कि वो ज़िंदगी भर नहीं ये मार भूलेंगे, वो भूलने के काबिल नहीं रहेंगे। मेहंदी अली काज़मी ने सुबह होते ही अदालत में अर्जेंसी में दरख्वास्त दायर की और वकील जबरान नासर ने मौक़ अपनाया है कि हमें 14 तारीख चूँकि तवील तारीख है, हमें जल्द अज जल्द तारीख दी जाए ताकि समाज पे हम दलाइल दे सकें और मौजूद अदलिया को ये चीज़ वो उन्हें दलाइल दे के कन्विंस कर सकें कि बच्ची का MLO अश्त ज़रूरी है। मामले की खसासियत देखते हुए, नौयत देखते हुए मौजूद अदालत ने जबरान नासर की दरख्वास्त पे अमल करते हुए, उनकी दरख्वास्त को रिस्पेक्ट देते हुए इस मामले को अब 5 तारीख पे ले आए। 5 तारीख को समाप्त होगी, 5 तारीख को दलाइल दिए जाएंगे और वो जो स्टे ऑर्डर था, जो वो समझ रहे थे कि ये कोई फौजदारी केस है जिसमें स्टे ऑर्डर अगर हो गया तो ये 6 महीने चलेगा, वो स्टे ऑर्डर चंद घंटों की मार है और वो हवा में उसकी जो है वो उड़ता हुआ नज़र आएगा। मामला इंतहाई हसास हो चुका है, केस इंतहाई अहम हो चुका है, पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों की नज़रें इस केस पे हैं और ओवरसीज़ कम्यूनिटी इस केस को बड़े ही डीपली फॉलो कर रही है, बड़े डीपली इसको मोनिटर कर रही है और वो लोग ये बात कहने पे अब बजिद हो चुके हैं कि इंसाफ होगा, अब ऐसे नहीं चलेगा कि आप लोग दब्बड़ गोश में मामला दबा के ले चलें, आप लारे लगाएं और आप ये समझें कि मेहंदी अली काज़मी लावारिस है। मेहंदी अली काज़मी के पीछे ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया खड़ा है, ना सिर्फ वकला की एक जानदार टीम खड़ी है, ना सिर्फ उसके साथ सिविल सोसाइटी खड़ी है, बल्कि दुनिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेहंदी अली काज़मी के साथ खड़े, उसके साथ स्टैंड करते हैं, उसके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं और इस गैंग को बुरी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं और उनकी सख्त तरीन सज़ा के लिए नबरदा आजमा है। अब देखना यह है कि ये लोग कब तक, मेहंदी अली काज़मी कब तक और इनकी लीगल टीम कब तक इस गैंग को, इसके सरगनाओं को, इनकी सारी टीम को सज़ा दिलवाने में कामयाब होती है। इंतहाई हसास मामला है, इंतहाई अहम मामला है। अब इस मामले की हसासियत को देखते हुए मुझे लगता है कि अदलिया इस पर जल्द अज जल्द फैसले सुनाएगी, क्योंकि ये केस इस काबिल नहीं कि इतना इसको लंबा खींचा जाए, ये केस इंतहाई हसास है, ये केस इंतहाई अहम है, इसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए, डे बाई डे प्रोसीडिंग्स हों और ताहाल इस केस की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इंतहाई फास्ट हो रही हैं और केस की जो जिस तरीके से ये केस चल रहा है उस तरीके से ये लगता है कि ज़हीर लोगों की ज़मानतों को तो 2-2.5 साल लग जाएंगे, मगर दुआ ज़हरा इंशाल्लाह जल्द अपने वालदेन के पास पहुंच जाएगी। मगर आज ही ब्लॉग के आखिर में एक खबर दे दें कि ज़हीर लोगों ने भी ज़मानत के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करा दी है विदाउट एनी ग्राउंड्स। पहले उन्हें सज़ा अदालत ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने अदालत को गुमराह किया था, अब उन्होंने उन्हीं ग्राउंड्स पर बेल की एप्लीकेशन दी है, अदालत को एक मरतबा फिर गुमराह करने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि अदालत उनके साथ क्या करती है, उन्हें कैसे ट्रीट करती है और दोबारा से अदालत को गुमराह करने की उन्हें क्या सज़ा देती है, इस गैंग को कितना इबरत का निशान बनाती है। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह नेकबान।